हेलो दोस्तों, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन पर, तो इस वीडियो को आपको एक बार पूरा कंप्लीट देख लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे, और जैसे आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन पर मैं अपना ही लोन यहां पर अप्लाई करूंगा, और अगर मुझे यहां से लोन मिलता है तो कितने अमाउंट का मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ध्यान समझना है। अब बात कर लेते हैं एलएनटी फाइनेंस पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो, और इस वीडियो में बात करें कि एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन से, तो यार इस वीडियो को आप एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आप एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, जो आपको लोन मिलेगा उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर करोगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखना और ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। अब आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। मैंने ओपन वाले ऑप्शन में क्लिक किया, पूरा प्रोसेस मैं आपको शुरू से दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान समझना। अब आप इसको अपने मोबाइल में पहली बार डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपके सामने सेम टू सेम इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा, जैसा कि मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। होने के बाद ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगा, सबसे पहले इसको परमिशन देनी है, तो आप नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे। मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया, सारी परमिशन इसको दे देनी है। अब आपके सामने आएगा, सारी परमिशन क्लियर होने के बाद चूज योर लैंग्वेज। अब आप लोन किस में अप्लाई करना चाहते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, ये लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। फिलहाल मुझे इंग्लिश में करना है, मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे आपको कंटिन्यू कर देना, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने आएगा, देख सकते हैं, वेलकम लॉगिंग टू स्टार्ट लॉगिंग योर आवर सर्विस। सबसे पहले आपको लोन अप्लाई करने के लिए इसमें लॉगिन करना होगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। तो इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उसको आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना। मैं लॉगिन पर क्लिक कर दिया। अब इस तरीके से आगे यहाँ पर देख सकते हैं, आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस पर आपका ओटीपी भेज जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर टू कंटिन्यू योर विद ओटीपी। आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आने वाला होगा, तो वो ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पर डाल देना, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, तो मैं अपना अब ओटीपी डाल के लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। लॉग इन होने के बाद सेम टू सेम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इसी तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहले आएगा माई लोन। अगर आपने पहले भी एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा, और जो भी आप लोन अप्लाई करोगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अप्लाइड लोन इस वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगा। और अगर आपको एक नया लोन अप्लाई करना है तो इस तरीके से आपके सामने अप्लाई नाउ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लोन देखने को मिलती है। सबसे पहले आएगा, देख सकते, इंस्टेंट पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन भी आप अप्लाई कर सकते हो, और ये बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हो, हाउसिंग लोन भी ले सकते हो, लोन एजेंसी प्रॉपर्टी, यानी आपको बहुत सारे लोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको हमें अप्लाई करना है इंस्टेंट पर्सनल लोन, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना पड़ेगा, आप एप्लीकेशन लोन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका गूगल क्रोम एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर देगा। इस तरीके से आपके सामने आए तो आपको क्रोम पर इसको लॉग इन कर लेना है। तो इसको लोन अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके गूगल क्रोम पर ओपन हो जाएगी, तो आपको सारी परमिशन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका पेज लोडिंग हो रहा है, तब तक आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन पेज सक्सेसफुली लोडिंग हो चुका है। अब आपके सामने सेम टू सेम इसी तरीके से इंटरफेस आएगा, इंस्टॉल होने इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने आएगा एलिजिबिलिटी चेक, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता देगा कि हम आपको इतनी अमाउंट का लोन दे सकते हैं। अगर आप लोन के एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन यहाँ पर सक्सेसफुली रिजेक्ट कर देगा, यानी इस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने आए दिशा, प्लीज एंटर योर फिव डिटेल्स, यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है। जैसे कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जिसके आप आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज करके आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका आपको फर्स्ट नेम पैन कार्ड पर जो भी डाला हुआ है फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपके सामने मिडिल नेम, तो अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप डाल सकते हो, या फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपके सामने लास्ट नेम, आपके पैन कार्ड पर जो भी लास्ट नेम डाला हुआ है आपको लास्ट नेम डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ। अब देखो, आपके पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है, सही सही डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम यहाँ पर आपको डाल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर डेट डालोगे, उसके बाद मंथ डालोगे, उसके बाद ईयर डालोगे, अच्छे तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना, जिस भी मोबाइल नंबर को आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हो। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद
ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आया तो आपको ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा जेंडर, आपको जेंडर सेलेक्ट करना, आप लोन किसके लिए अप्लाई करो, फीमेल के लिए या फिर मेल के लिए, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा एंटर आधार नंबर। अब आपका जो भी आधार कार्ड है जिससे आप लोन अप्लाई करना चाहते हो, उस आधार कार्ड का जो भी 16 अंक के जो नंबर डाला होता है फ्रंट साइड पर या बैक पर, दोनों साइड पर होता है, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके सामने पैन कार्ड का नंबर। आपके पास जो भी पैन कार्ड है उस पर आपको फ्रंट साइड पर 10 अक्षर का एक नंबर डल के आता है, तो वो वाला नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सक्सेसफुली आपकी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखा दे ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी को डाल देना जो भी आप इसमें लगाना चाहते हो कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा जैसे एंटर पिन कोड। अभी आप जहाँ पर भी लोन अप्लाई कर रहे हो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको सक्सेसफुली डाल देना है। इतना काम आप कंप्लीट कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिखा के दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप सैलरी है तो सैलरी को सिलेक्ट करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप इसको सिलेक्ट करो, अपने हिसाब से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा दे एजुकेशन, आपकी पढ़ाई कितनी है, डिग्री कितनी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप इस ऊपर क्लिक कर दोगे एजुकेशन वाले पे, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा आप सीएओ, मास्टर हो, ग्रेजुएट हो या नॉन ग्रेजुएट हो, आप जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी डिग्री आपको अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन आएगा एनुअल इनकम, तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करोगे सिलेक्ट एनुअल इनकम। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करोगे अब पूछेगा आपकी जो सालाना इनकम कितनी है, 2.5 लाख के अंदर है या फिर 2.5 से 5 लाख है, 5 से 10 लाख है, जो भी आपकी सालाना इनकम है अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेस देन 2.5 लाख मैंने कर दिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा देखा रेस्टिडेंट ओपनर सिर्फ, यानी देखो अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहते हो, अगर आपने उस घर को अपने पैसों से अपना खुद का अलग घर बनवाया है तो आप ओवरनेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर आप किराए पर रहते हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं तो अपने खुद के घर में रहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको सही सही जानकारी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट। अब मेन पॉइंट आता है आप लोन कितने अमाउंट का अप्लाई करना चाहते हो, आपसे पूछ रहा है अगर आपको लोन मिलता है तो आप कितने अमाउंट का अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो मिनिमम आप यहाँ से 50,000 का लोन अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 7 लाख तक का कर सकते हो। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम अमाउंट का लोन अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ मिनिमम मुझे यहाँ पर 50,000 का लोन चाहिए, मैं 50,000 का ही लोन लेना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 50,000 पर सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से अपने हिसाब से इसको लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा पर्पज ऑफ लोन, आप लोन किस लिए ले रहे हो। जैसे आप इस बॉक्स पर क्लिक करोगे बहुत सारे रीजन आ रहे हैं, फैमिली सेलिब्रेशन है या मेडिकल के लिए, वर्किंग के लिए या फिर पर्सनल ले रहे हो, तो मैंने पर्सनल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एक पर्पज सेलेक्ट कर देना आप किस लिए लोन लेना चाहते हो। सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से फील करनी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आगे देख सकते हैं सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आप पूछ रहा है देख सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो आसानी से। अब यहाँ पर आपको दिखा देगा रेस्टिडेंट टाइप, देख सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। मैं इंडिया से तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है रेस्टिडेंटल इंडियन इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले आपको सारी डिटेल्स को डाल देना, एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आएगा बॉक्स, इस बॉक्स को टिक करना है। जैसे आप इस बॉक्स को टिक करोगे अब आपके सामने नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, सारी चीज़ आपको डालने के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर इस हफ्ता दिखाएगा आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन टीम। उसके बाद आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना अमाउंट यहाँ पर आपको होम पेज पर दिखा देंगे। अगर आपको 20,000 का मिलने वाला होगा लोन तो 20,000 दिखा देंगे, 10,000 का मिलेगा 10,000 दिखा देंगे, और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। सो दोस्तों यही प्रोसेस होने वाला है एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।